गुड इवनिंग जी, सत श्री अकाल, नमस्ते सारिया नूं। आई एम बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो इज ऑन सिनोनिम्स फॉर आयल्स वोकैबलरी। आयल्स वोकैबलरी सिनोनिम्स लाइक यू हैव टू राइट राइटिंग टास्क वन एंड राइटिंग टास्क टू इन योर जर्नल एंड एकेडमिक आयल्स एग्जाम एंड आई विल टीच यू सम सिनोनिम्स रिलेटेड टू दैट। ओके, so you are using common words now in your writing, so that's why you can't score more than 5.5 or 6 bands in that. So today I will tell you some common words. Like, it is a list of 50 common words you have to use in IELTS writing task, and today I will teach you 5 to 6 of them daily. I will teach you some of them because in a single day you cannot learn all that, and if we go slowly you can learn all of them easily. Okay, so first of all आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है, तभी आपके लिए आगे और वीडियोज आती रहेंगी। तो देखो, इट इज़ नॉट अ पेड कोर्स, फ्री में आपको ये सारा कोर्स मिलेगा, और उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग वर्ड हम राइटिंग में काफ़ी बार यूज करते हैं, बट पीपल मोस्टली यूज द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, बट वी हैव नॉट टू रिपीट द वर्ड्स टू स्कोर मोर बैंड्स इन आयल्स राइटिंग पार्ट। ओके, सो व्हाट अनदर वर्ड्स कैन आई यूज इंस्टेड ऑफ अमेजिंग वर्ड? दैट इज इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक, फैबुलस, एस्टॉनिशिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये मेरे दूसरे वर्ड्स हैं जो मैं अमेजिंग वर्ड की जगह यूज कर सकती हूँ। अमेजिंग वर्ड्स पीपल मोस्टली यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, आपको ये वर्ड यूज नहीं करना है। और अगर आपने एक बार यूज कर भी लिया है तो आपको बाद में दोबारा इसको रिपीट नहीं करना है राइटिंग में। उसकी जगह आप कौन सी वर्ड्स यूज कर सकते हैं? इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक, फैबुलस, एस्टॉनिशिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसका मतलब क्या होता है? अमेजिंग मतलब बहुत ही अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट, सबसे अलग, मुझे बहुत ही पसंद आया। तो दैट इज द वर्ड अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड वर्ड की ओर। सेकेंड वर्ड मेरा कौन सा है जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ? दैट इज आंसर। तो आंसर की जगह मैं और कौन कौन से वर्ड यूज करती हूँ, कर सकती हूँ? रिस्पॉन्ड, रिप्लाई। तो ये मेरे दो वर्ड्स और हैं जो मैं आंसर वर्ड की जगह पे यूज कर सकती हूँ। किसी को जवाब देना, किसी को आगे से रिस्पॉन्स करना, ये है मेरा सेकेंड नंबर वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है मेरा? ऑफुल। ऑफुल क्या होता है? बड़ा ही दुखदायक या भयानक, बिल्कुल ना अच्छा लगा हो कुछ, दैट इज ऑफुल। ऑफुल वर्ड भी कईयों के लिए कॉमन नहीं है, तो मतलब कईयों के लिए कॉमन है, तो जिनके लिए कॉमन नहीं है वो भी समझ लें, जिनके लिए कॉमन है वो भी समझ लें। तो इसके हम कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं राइटिंग में? फर्स्ट वन इज टेरिबल, अनदर वर्ड इज abominable. If you will use the synonyms like this, you will definitely score more marks in writing part. Okay, and you can also use these words in your speaking section also. Examiner will get very मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, क्या कह सकते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा impressed हो जाएगा। Yes, this is the word I want to say. Examiner will get very impressed from you if you use these words or words like this. You don't have to use the common words. Terrible, abominable, and the third word is dreadful. तो ये मेरे किसके synonyms हैं? Awful के। देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली मिलेंगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो लाइक और शेयर नहीं करोगे, ये फ्री की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए यार, छोटी छोटी वीडियोस हैं बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोस हैं, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। फोर्थ वर्ड है मेरा बैड। बैड वर्ड जब हम यूज करते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड एंड यू कैन यूज दीज सिनोनिम्स इंस्टेड ऑफ द वर्ड बैड।
बैड मतलब खराब, बहुत बुरा, तो उसकी जगह कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? एविल, स्पॉइल्ड, इम्परफेक्ट, इनफेमस एंड द फिफ्थ वन इज डिसमल. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स इंस्टेड ऑफ द वर्ड बैड. आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं बैड वर्ड की जगह, ठीक है, अपने राइटिंग पार्ट में एंड स्पीकिंग पार्ट में. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी मॉड्यूल ऑफ आईएलटीएस और स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन टेलीग्राम. यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम एंड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल is mentioned in the description box. Okay, and you have to subscribe, like and share my video and subscribe my channel. My next word is beautiful. Wow, beautiful. Bad ke baad beautiful aa gaya. So mera beautiful word jo hai, this is a very common word while we speak or while we write. सो ब्यूटीफुल वर्ड का सिनोनिम क्या, ये आई है, ई मत ले लेना इसको, थोड़ा सा पेन में गड़बड़ी होगी लिखते में. तो ब्यूटीफुल क्या है, पंजाबियों ने भी उन्हें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नहीं कहना, सॉन्ग्स में बड़ा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आता है. यू कैन से इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल गॉर्जियस. नेक्स्ट वर्ड इज रैविशिंग. Dazzling, exquisite, and stunning. इन सारे वर्ड्स में जो कॉमन वर्ड्स है आपने जो पहले सुने भी होंगे, those are gorgeous and stunning. तो ये जो तीन वर्ड्स हैं ये भी मतलब अच्छे खासे वर्ड्स हैं, बट ये आपने कभी सुने नहीं है, तो बट अब आपको अपनी लैंग्वेज में इन तीनों वर्ड्स को भी यूज़ करना है. गॉर्जियस एंड स्टनिंग वर्ड आप यूज़ करते हैं, सुनते भी हैं, ब्यूटीफुल, पर इनकी जगह पे आपको ये जो वर्ड्स हैं ये भी यूज़ करने हैं, रैविशिंग, डैजलिंग, एक्सक्विसाइट, ठीक है. तो मैंने आपको अभी करवाए हैं 5 वर्ड्स और साथ में उनके सिनोनिम्स कराए हैं, तो 5 वर्ड्स की जगह मुझे लगता है आपने 35-40 या इससे थोड़े से कम, लाइक 25-30 वर्ड्स तो पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है, 30 वर्ड्स मैक्सिमम लगा लेते हैं. तो ये वर्ड्स आपने अभी क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में आपने सारे वर्ड्स के सिनोनिम लिखने हैं, 5 वर्ड्स हैं ओनली. अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख लोगे साथ में ही आपको लर्न हो जाएंगे, तो आगे से फिर आपको आपको राइटिंग और स्पीकिंग में सिर्फ यही वर्ड्स यूज करने हैं. एंड यू ऑल हैव टू राइट दीज वर्ड्स वंस इन कमेंट सेक्शन. ओके, दिस इज योर होमवर्क. इफ यू विल नॉट डू दिस यू कांट लर्न एनीथिंग इन योर लाइफ बिकॉज यू डोंट ओबे योर टीचर्स. ओके जी, तो ये अभी आपको सारे वर्ड्स करने हैं. तो अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा स्पोकन इंग्लिश का आएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो पार्ट मिस ना करें, ठीक है. तो आप अपना होमवर्क कीजिए और कल फिर से आपकी सिनोनिम्स के ऊपर वीडियो आएगी और साथ में ग्रामर के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी मैम. टिल देन गुड बाय.